नमस्कार, मैं शिवम पटेल। आप देख रहे हैं मेरी जुबान समाचार यूट्यूब चैनल। कूड़े के ढेर में बरसों पुराना शिव मंदिर। भ्रमण कार्यक्रम पर खीरी पहुंचे कमिश्नर रंजन कुमार। बकाया गन्ना भुगतान पर कमिश्नर ने लगाई चीनी मिलों को फटकार। दो नेताओं पर गैंगस्टर की कार्यवाही। किसानों को मैनुअल नहीं, मोबाइल पर गन्ना पर्ची। खबरें विस्तार से। शिव मंदिर जब अपनी जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंचा तो एक रोज वहां से गुजर रहे भाजपा के नगर उपाध्यक्ष राघव हिंदू की नज़र मंदिर पर पड़ी तो उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार कराने की ठान ली। के ढेर से पटा था मंदिर परिसर। लखीमपुर खीरी महेवागंज में एक शिव जी का प्राचीन मंदिर। यह मंदिर 1840 में बना था। मंदिर के आसपास हिंदू आबादी ना होने के कारण यह शिव जी का मंदिर परिसर महज कूड़े का घर बनकर रह गया था। मंदिर परिसर को लगभग 20 से 30 सालों से अराजक तत्वों ने कूड़ा घर बनाकर रखा था। शिव जी के मंदिर परिसर की ऐसी दशा देख भाजपा के नगर उपाध्यक्ष ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाने की ठान ली। हालांकि मामला एसडीएम कोर्ट अरुण कुमार सिंह के पास पहुंचा तो उन्होंने प्रधान व पूर्व प्रधान से बात की। फिर तय हुआ कि थोड़ा रास्ता देने के बाद कोई विवाद नहीं बचेगा। राघव की इस अनूठी पहल से ओतप्रोत जन समुदाय के सहयोग से मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य नवरात्रि के प्रथम दिन से आरंभ हो गया और आज 12वें दिन मंदिर परिसर की बाउंड्री वॉल लगभग कंप्लीट होने को है। इसके बाद मंदिर में कमरे व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए एक भव्य परिसर का कार्य तेजी से किया जाएगा। मैं राघव हिंदू, भारतीय जनता पार्टी के नगर उपाध्यक्ष हूँ और यहाँ पे अचानक आना हुआ। अचानक की स्टोरी मैंने जैसे कि पहले भी बताया है कि मैं ज्ञानपुर जा रहा था अपने मित्र से मिलने, बाई मिस्टेक रास्ता भूल गया। उस वाले रास्ते से जाना था, इधर रास्ते पे आ गया। ये सीन देखा तो काफ़ी मन दुखी हुआ कि आज के समय में भी ऐसी स्थिति क्या मंदिरों की हो सकती है। फिर भारत जैसे देशों में जहाँ इसकी संप्रदाय है, इसकी पहचान है, फिर उसके बावजूद ये स्थिति तो काफ़ी दयनीय स्थिति थी। तो 14 तारीख को जो यहाँ पे विवाद था, 14 तारीख को मेरा बर्थडे भी था, तो विवादित लोगों के साथ में, यहाँ के लोगों के जो मुखिया हैं, पूर्व प्रधान ने, उन सब के साथ में बैठ के उनसे चर्चा की कि क्या विवाद है, क्या उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला जा सकता है। इन सारे विषयों पर जब चर्चा हुई तो जो एक रास्ता आप पीछे देख रहे हो, उस रास्ते को लेके हमने सहमति जताई कि वो 8 फुट का मांग रहे थे। हमने 8 फुट नहीं, तुम 12 फुट ले लो, हाँ, ताकि भविष्य में कभी भी इस पर विवाद ना हो। तो 12 फुट की रास्ता दे दिया गया और तुरंत सुबह प्रथम नवरात्रि के पहले दिन में हमने इसमें मटेरियल गिरवाया और काम चालू करवा दिया। आज आप सबके सामने है कि यह मंदिर अच्छी खासी ग्रोथ में बन चुका है और धीरे धीरे इसको भव्य निर्माण कराया जाएगा। तरफ अपने 2 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम में खीरी पहुंचे नोडल अधिकारी कमिश्नर लखनऊ मंडल लखनऊ रंजन कुमार ने निर्माणाधीन 200 बेड बाल एवं महिला चिकित्सालय का किया निरीक्षण। कमिश्नर ने दूसरे दिन एकीकृत कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर का निरीक्षण कर डीएम सीडीओ समेत चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठकर ऐसी रणनीति बनाए जाने को कहा जिसमें कोई भी संदिग्ध टेस्टिंग से वंचित न रहे। इसके बाद कमिश्नर ने कलेक्ट्रेट सभागार में चीनी मिल वार गन्ना मूल्य भुगतान की समीक्षा कर बकाया गन्ना भुगतान पर चीनी मिलों के अधिकारियों को लगाई फटकार। बकाया भुगतान शीघ्र किए जाने का दिया निर्देश। बैठक में डीएम सीडीओ तथा गन्ना अधिकारी आदि मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी की विकास खंड कुंभीगोला में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी के आत्महत्या करने के मामले मौत के जिम्मेदारों पर भाग्य लोकतांत्रिक के प्रदेश अध्यक्ष राकेश चौहान तथा जिला अध्यक्ष प्रदीप शुक्ला पर आज गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों नेताओं की गिरफ्तारी के लिए प्रयास तेज कर दिया है। उधर शासन के निर्देश पर जनपद खीरी के पशु चिकित्सा अधिकारी पशुओं को टीकाकरण तथा टैग लगवाने के कार्य में तेजी लाते हुए ग्राम पंचायत रुकनापुर के पशुओं का टीकाकरण एवं टैग लगाने का कार्य कराया।
पुरखीरी में गन्ना किसानों को अब मैनुअल नहीं, उनके पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर भेजी जाएंगी गन्ना पर्ची। पहले की तरह अब मैनुअल पर्चियां नहीं दी जाएंगी। गन्ना आयुक्त संजय आर भूस रेड्डी ने इस संबंध में आदेश जारी कर कहा है कि आरपी इंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग पर गन्ना किसानों के सही मोबाइल नंबर पंजीकृत कराए जाएं। ये थी अब तक की खास खबरें। देखते रहिए मेरी जुबान समाचार यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।